हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं एक बिल्कुल ही नया गेम पिगी। तो दोस्तों, इसको मैं आज पहली बार खेलने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा गेम है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो कंट्रोल्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल भी ग्रैनी की तरह ही है, कुछ कुछ ग्रैनी चैप्टर टू हॉरर गेम्स की तरह ही। बाकी तो इसमें कोई पिगी मिलनी चाहिए हमें, जैसा कि इसका नाम है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर टास्क दिया गया है फाइंड अ वे आउट ऑफ द हाउस। तो अभी हम लगते हैं किसी किचन में पहुँच गए, तो इसे हम उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। अच्छा ठीक है, तो इसे तो हम नहीं उठा सकते। देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ओके, किसी भी चीज़ को हम नहीं उठा सकते क्या? यहाँ पे एक और दरवाज़ा है, यहाँ पे देखते हैं क्या है। ओके, हम फिर से उसी जगह पे आ गए। अरे अभी आवाज़ आई किसी की, नहीं कोई भी तो नहीं है। ये पिकी जो भी आपकी मिली, अरे मेरे को ये क्या है। ओके, तो यहाँ पर सीढ़ियाँ हमें दी गई हैं। एक और दरवाज़ा, ये तो पूरी खुल गई है। ठीक है, तो इसके अंदर जरा चलते हैं। अरे खुलता क्यों नहीं है, बड़ा अजीब सा दरवाज़ा है। हाँ खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है दीवार पर, पहले इस बुक को देख लेते हैं। इस बुक को भी नहीं खोल सकते हम। ओके, तो बाहर क्या दिख रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इस पेंटिंग को भी नहीं गिरा सकते। ये तो बड़ा अजीब सा गेम है, ये पिगी आ क्यों नहीं रही आखिर? इसमें से आवाज़ करने के लिए भी कुछ नहीं है। इस कार को भी नहीं उठा सकते क्या? तो इसमें करना क्या है? किसी चीज़ को तो हम उठा ही नहीं सकते। ओके, बेड रेड रूम या बेडरूम, पता नहीं क्या लिखा हुआ उल्टा पुल्टा। और यहाँ पर एक पेंटिंग बनी हुई है, अजीब सी पेंटिंग थी। तो चलो बाहर चलते हैं। ओके, एक और दरवाज़ा और हम एक दूसरे कमरे में पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी बुक्स हैं पर हम किसी को उठा नहीं सकते। लगता है इसे ठीक से डेवलप नहीं किया गया है। ओके, हमें यहाँ पे पेंटिंग एक फ़ोटो मिली, एक पिक्चर, पता नहीं किस चीज़ की थी वो, अजीब सी पिक्चर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम पहाड़ आ गए हैं। ओहो, इसमें तो मैं फंस गया हूँ पूरी तरह से, पता ही नहीं चल रहा करना क्या है। खुल जा दरवाजे, अरे तो खुलता ही नहीं है। ये ग्लिचेस है क्या इस गेम में? जब काम करने की बारी होती है कुछ काम होता ही नहीं इसमें। ओहो, ठीक से बनाया नहीं गया इस गेम में। चलो खुल गया, फिर से हम किचन में आ गए। एक और दरवाज़ा यहाँ पे, फिर से हम उसी कमरे में आ गए। ओहो नहीं, दूसरा कमरा ये। ऑल वर्क एंड नो स्लीप मेक्स के बॉबी या डल बॉय। ओके, अगर किसी को पढ़ना हो तो पोज करके पढ़ सकता है। तो इसमें वैसे यही लिखा हुआ है कि कौन है ये पिगी, कोई बॉबी नाम का आदमी है क्या या बच्चा? तो हमने इस हॉर्स को उठा लिया है। अरे इसे हम कलेक्ट भी नहीं कर पाए, गायब कैसे हो गया? उठाते हैं। बस इसमें बैकग्राउंड में क्रीपी आवाज़ें आ रही हैं, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो अभी तक तो कुछ नहीं मिला। इसमें टेबल के नीचे भी नहीं जा सकते। इसमें पिगी है भी या नहीं है अभी देखना पड़ेगा। चलो फिर से हम एक कमरे में आ गए हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, नया कमरा ये। ओके, सो वहाँ पे कुछ रखा हुआ है, इसको देखें। और इसको उठा लिया। ये क्या, ये कोई क्लू है क्या बाहर निकलने का? जो समझ ही नहीं आ रहा कुछ भाई। किसी को समझ आ रहा हो इस गेम के बारे में, किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मुझे तो इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो हम बाहर आ गए हैं फिर से और यहाँ से बाहर निकलते हैं जैसे भी। इस ऑक्टोपस को उठा सकते हैं। अरे तो दरवाज़ा खुल गया। ओहो ठीक है, बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम फिर से सीढ़ियों के सामने आ गए और यहाँ पे अब कुछ आवाज़ें आ रही हैं अजीब सी। ये पिगी की है क्या? पर कहाँ है पर ये पिगी? एक अजीब सी फोटो और मिली हमें। ठीक है, जरा फिर से नीचे चलते हैं। इस पॉट को उठा सकते हैं? गिरा भी नहीं सकते, कोई भी नहीं है क्या इसमें? अरे दरवाज़ा, द डोर इज लॉक्ड, नीड अ की। ओह फाइनली हम दरवाजे के पास पहुँचे। टास्क है अब फाइंड द की। चलो उतना भी बेकार गेम नहीं है जितना मैं सोच रहा था, मतलब ये ठीक ठाक गेम है, बस अभी हमें इसे खेलना नहीं आता। तो ये आवाज़ें आ रही है कुछ तेज तेज। यहाँ पर दरवाज़ा नहीं है क्या? मैं गलत जगह आगे लगता है, नीचे उतरता हूँ। अरे ये क्या, इसे फील कैसे रहा है?
अरे ये कौन है? ये मुझे नहीं देख पाएगी मुझे लगता है, क्योंकि ये, ओह माय गॉड, ये तो कहीं और जा रही है। चलो अभी हम लगता है सेफ है। अरे देख लिया मुझे? ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो, ओ मार दिया मुझे। ओके तो ये गेम उतना भी हार्ड नहीं है इस बार, लेकिन मैंने सही से नहीं खेला। तो दोस्तों मैं इसको अगली बार जरूर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। वेल अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।